मेरा नाम डॉक्टर दुर्वेश अली अंसारी है और मैं आज़ाद समाज पार्टी बरेली का जिलाध्यक्ष। किस संबंध में आज आप यहाँ आए हो? ये स्मार्ट सिटी के नाम पर बरेली में एक कॉलोनी बीडीए द्वारा एक कॉलोनी बसाई जा रही है जिसकी ज़मीनों को 2004 में अधिग्रहण कर लिया गया और उस अधिग्रहण के बाद 2016 में यहाँ के सांसदों विधायकों धन्ना सेठों की ज़मीनों को बीडीए द्वारा मुक्त कर दिया गया और बिचपुरी चंदपुर बिचपुरी डोहरिया के गरीब मजलूमों के मकानों को उस ज़मीन के एवज में 20 साल 25 साल पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उन गरीबों मजलूमों के मकान ना तोड़े जाएं, उन धन्ना सेठों की ज़मीनों को अधिग्रहण करके उस बीडीए की कॉलोनी को बसाया जाए। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम तो इस बीसी के कुकृत से इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार को बदनाम करना चाहता है या सरकार इन्हें बदनाम करना चाहती है। इन्हें होश में आना चाहिए। जिस संविधान की कसम खाकर ये अपनी कुर्सी पर बैठे हैं उसी संविधान के दायरे में रह रहे गरीब शोषित वंचितों पर ये अन्याय अत्याचार कैसे कर रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट विशाल कुमार वाल्मीकि, मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में यहाँ पे खड़े हैं आज? यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था और राज्यपाल जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था। जैसे कि बीडीए ने जगह को अधिकृत किया है जी, ऐसा आपका आरोप है, लेकिन ये तो आपकी सिटी को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो गरीबों के मकान खसाकर और अमीरों को बसाकर ये खाकर न्याय है? ये जो ज्ञापन दिया था, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कोई कुछ नहीं मिला है और ये कहा गया है कि कल तक जो है पानी खोल दिया जाएगा, मतलब पानी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे लोग समथिंग थे, करीब हज़ारों संख्या में थे लोग यहाँ पर जी। शुभ नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम अर्चना मलिक है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। किस संबंध में आप यहाँ पे हैं? हम लोगों ने ये बीडीए ने जो लोगों के घर तोड़े हैं उनको बेघर किया है, उस संबंध में हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप एक तरफ हमारे महिलाओं के लिए इतना नए नए वो योजनाएं चला रहे हैं, ऊपर से हमारे महिलाएं के लिए घर से बेघर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ जो घर से बेघर हुए हैं उन लोगों को या तो आवास दिए जाएँ या फिर उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वहाँ पानी की, वो पानी दिया जाए, पानी मतलब खोला जाए जो बंद कर दिया गया है। कोई जमा